ड्राइवर टैक्स भी रोको। अच्छा साहब ड्राइवर, मंदिर के अंदर मस्जिद? सारी मस्जिद नहीं, ये हाजी अली बाबा की दरगाह है। सुभान अल्लाह, क्या शान। तुम्हारे कितने पैसे हुए? 10 रुपये। अच्छा ये लो भाई तुम्हारे 10। थैंक यू। सुमिया का इंतजार करेंगे, आप तो खाना खा लीजिए। नहीं बेगम, मुझे तो ये फिक्र खाए जा रही है कि यूसुफ मियां नए नए बंबई में आए हैं, कहीं खुदा ना खास्ता इस बागबान से ना निकालिए, पिक्चर चले गए होंगे, आ जाएंगे। आप सब लोग कौन हैं? मैं कौन हूं? मेरा नाम क्या है? डॉक्टर। यहां मुझे कौन लाया? यहां मुझे कौन लाया डॉक्टर? यहां मुझे आप जरा मेरे साथ आइए। दिमाग की शहरत पर चोट लगने की वजह से इनकी याददाश्त जाती रही और ये अपनी पिछली जिंदगी भूल चुके हैं। कुदरत ने तुझे तेरे सब्र का सिला दिया है, बिछड़े हुए महबूब को फिर से मिला दिया है। यूसुफ को अपने घर ले जा, उसका नाम बदल दे और इतना प्यार दे कि वो जिंदगी भर तेरे सिवा किसी और को न पहचान सके। ऐसा ही होगा। आजा निराले मेरे अजमेर वाले शान न्यारे तुम्हारी कहे दुनिया ये सारी। आजा निराले मेरे अजमेर वाले शान न्यारे तुम्हारी कहे दुनिया ये सारी। आजा निराले
अजमेर वाले शान न्यारी तुम्हारी कहे दुनिया ये सारी ख्वाजा निराले। बशर करते हैं गुलामी जिन बशर करते हैं गुलामी शम्स कमर देते हैं सलामी हूर मलाइक अर्श बरी पे हूर मलाइक अर्श बरी पे अजमेर वाले शान न्यारी तुम्हारी कहे दुनिया ये सारी ख्वाजा निराले मेरे अजमेर वाले शान न्यारी तुम्हारी कहे दुनिया ये सारी ख्वाजा निराले। परवर्तिकार आलम, तूने हमें दुनिया की सारी नेमतें दी हैं, मगर इस घर को रोशन करने के लिए एक चिराग नहीं अता फरमाया। बेगम, आज हमारी शादी के 15 साल पूरे हो गए। दुआएं मांगते मांगते आधी उम्र गुजर गई। अगर उसे देना होता तो कभी का दे दिया होता। शायद हमारी किस्मत में औलाद नहीं। इंसान को उसकी रहमतों से मायूस नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? औलाद की खातिर हमने क्या कुछ नहीं किया? दुआएं मांगी, तावीज गंडे बांधे, मजारों पर गए। मगर मेरे सरताज, हम एक दरगाह पर नहीं गए। कौन सी? ख्वाजा गरीब नवाज की, जहाँ दुनिया के कोने कोने से हर मजहब के लोग आए हैं और अपनी मुरादें पाते हैं। मुरादें पूरी करने वाला तो सिर्फ अल्लाह है बेगम। जब उसी को मंजूर नहीं तो कोई और क्या देगा? आप बजा फरमाते हैं, देता वही है मगर वसीले से। क्या मतलब? मतलब ये कि हम गुनहगार हैं, वो खुदा के नेक बंदे। हो सकता है उनकी दुआओं की तुफैल मेरी भी गोधरी हो जाए। अगर तुम्हारी यही ख्वाहिश है तो मुझे कोई इतराज नहीं। हुए हैं यूं तो बहुत हालिया
रुतबा बड़ा गरीब नवाज, खुदा तुम्हारी रजा में है इसलिए राजी, तुम्ही हो मजहरे शान खुदा गरीब नवाज। जिन्न बशर कर ते है गुलामी, जिन्न बशर कर ते है गुलामी, शम्स कमर दे ते है सलामी, यह गरीब नवाज ये बेचारे किस्मत के मारे बड़ी ही दूर दराज का सफर तय करके आपकी बारगाह में हाजिर हुए हैं, इनकी मुराद पूरी कर दीजिए। हमारे घर में भी ख्वाजा जला दो एक चराग, तुम्हारे घर में हजारों चराग चलते हैं। कर्म किया है तो इतनी भी अब दुआ करना, गुनाहगार को नूरे नजर अता करना। मुबारक हो हुजूर, मुबारक हो, खुदा ने आपको लगते जिगर दिया। सुभान अल्लाह। ये लो तुम्हारा इलाज। राजा बेटा झूमे, गुड़िया का मुँह चूमे, भालू ढोल बजाए और मोटर शोर मचाए। यूसुफ यूसुफ बजा बजा रे बेटे। शेरवानी तो उतार लेने दे। अरे भाई उतार देंगे, आप तो खाम खा नाराज हो रही हैं। बेगम दरअसल बात यह है, जब ये फूल सा मुस्कुराता हुआ चेहरा देख लेता हूँ सारी दुनिया को भूल जाता हूँ, अपने आप को भूल जाता हूँ। वो तो ठीक है, मगर जिनकी बदौलत इस चमन में ये फूल मुस्कुरा रहा है उनकी मन्नत की चादर भी तो याद है ना आपको। बेगम ये कैसे भूल सकता हूँ। अच्छा ये तो बताओ अपने यूसुफ मियाँ कितने दिन के हो गए। ए लो आप तो ये भी भूल गए, कल माशाल्लाह पूरे 3 बरस के हो जाएंगे। तो कल हम भी इंशाल्लाह मन्नत की चादर चढ़ाने गरीब नवाज के रोजे मुबारक पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बेटे अब हम अजमेर शरीफ जाएंगे, रोजे की ज्यारत करेंगे। ये चादर खता पोश उकबा बनेगी, ये महशर में कुदरत का साया बनेगी, जो सिमटी गुनाहों का पर्दा बनेगी, जो फैली तो रहमत का दरिया बनेगी। क्या शान तुम्हारी अल्लाह 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 अल्लाह, क्या शान तुम्हारी अल्लाह 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 अल्लाह, है ये चादर भरी नेक इरादों के।
अल्लाह अल्लाह चढ़ाने को आए हैं मन्नत चादर चढ़ाने को आए हैं मन्नत चादर मोहब्बत के धागे में कलियां पिरो कर बनाई है हमने अकीदत की चादर बनाई है हमने अकीदत की चादर के रोजे पे ख्वाजा पिया के अदब से चढ़ाने को आए हैं मन्नत की चादर चढ़ाने को आए हैं मन्नत की चादर मोहब्बत के धागे में कलियां पिरो कर क्या शान तुम्हारी अल्लाह 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 क्या शान तुम्हारी अल्लाह 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 देख कर गम गुसार की चादर हिंद के ताजदार की चादर हिंद के ताजदार की चादर हो के बेताब चाहने वाले अपनी आंखों से चूमते होंगे अपनी आंखों से चूमते होंगे फर्श वाले तो क्या फरिश्ते भी अर्श आजम पे झूमते होंगे अर्श आजम पे झूमते होंगे ये चादर है उस माँ के नूरे अंदर की हुई जिससे कुर्बान जन्नत की चादर जन्नत की चादर जन्नत की चादर हुई जिससे कुर्बान जन्नत की चादर हुई जिससे कुर्बान जन्नत की चादर मोहब्बत के धागे में कलियां पिरो कर बनाई है हमने अकीदत की चादर बनाई है हमने अकीदत की चादर के रोजे पे ख्वाजा पिया के अदब से चढ़ाने को आए हैं मन्नत की चादर चढ़ाने को आए हैं मन्नत की चादर मोहब्बत के धागे में कलियां पिरो कर शान तुम्हारी अल्लाह 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 क्या शान लाडले ख्वाजा घर अंधेरा था रोशनी कर दी गोद खाली थी आपने भर दी गोद खाली थी आपने भर दी मुझसे आपके हजारों है ये तो अदना सा एक करिश्मा है ये तो अदना सा एक करिश्मा है ये तो अदना सा एक करिश्मा है आपके दर पे रात दिन जारी फैज़ो लुत्फ़ हो करम का चश्मा है के खुश हो के सरकार से खुद खुदा ने बिछा दी हर एक सू रहमत की चादर मोहब्बत के धागे में कलियां पिरो कर बनाई है हमने अकीदत की चादर बनाई है हमने मोहब्बत के धागे में कलियां पिरो कर शान तुम्हारी अल्लाह 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 क्या शान लाडले ख्वाजा अल्लाह अल्लाह
अल्लाहु अल्लाहु क्या शान तुम्हारी अल्लाहु 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 गरीब नवाज, इस बच्चे को हर मुसीबत हर बला से महफूज रखिए, इल्म की दौलत से मालामाल कीजिए, इसकी उम्र दराज हो, कारोबार में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे, सर पर माँ बाप का साया सलामत रहे, वालदैन को सेहरा देखना नसीब हो, खुशियों से इनका घर भर जाए। الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهو بيتا الف ب الف سي الله ب سي بسم الله سبحان الله سبحان الله आपका नाराजी का बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह बच्चा बहुत सहीन है, अल्लाह इसकी उम्र दराज करे, अल्लाह इसकी उम्र दराज करे। माशाल्लाह वो क्या लिखा है? नहीं अल्लाह शाबाश। और वो क्या लिखा है? मोहम्मद। हजरत मोहम्मद हमारे कौन है? हजरत मोहम्मद हमारे पैगंबर हैं, पैगंबर हैं। बेटे अम्मी को आदाब करो, आदाब करो, कहो आदाब कहो। चलिए नाश्ता तैयार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल लहुल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बस 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 बस, अब इसका मतलब समझ लो बेटा। तो समझाइए मौली साहब। कुल हुवल्लाहु अहद, कह दे अल्लाह एक है, अल्लाहु समद उसके काम में उसका कोई शरीक नहीं, लम यलिद वलम यूलद ना वो किसी से पैदा हुआ ना उससे कोई पैदा हुआ, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद वो हमेशा से एक अकेला है और हमेशा एक अकेला रहेगा। बस 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 बेटा, आज का सबक बस यही था। वालेकुम अस्सलाम, आदाब करता हूँ। शुक्रिया। माशाल्लाह हमारा ये सब बेहद सही है। होना ही चाहिए बेगम। बेटा किसका है, है? बेगम मैं सोच रहा हूँ कि दीनी तालीम के साथ साथ यूसुफ मियां को इंग्लिश स्कूल में दाखिल कर दिया जाए। ये तो आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए। भाई कहने में देर हो गई। मतलब ये कि आपकी राय जाने बगैर मैंने दाखिले का सारा इंतजाम कर दिया, यही समझकर कि आपको मेरी राय से इत्तेफाक होगा। ये तो आपने बहुत अच्छा किया। क्यों तुम ये आप इंग्लिश स्कूल में जाओगे ना बेटे? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का नाम लेकर जाओ बेटे, आज पहला दिन है, खुदा तुम्हें कामयाब करे। करीम, यूसुफ मियां को स्कूल छोड़ा। बहुत अच्छा बेटा। ख्वाजा गरीब नवाज की दुआओं की तुफैल
अल्लाह ने हमें इंतहाई नेक और सादतमंद औलाद अता की है। बेगम अब तो एक ही आरजू रह गई कि यूसुफ मियां का सेहरा भी देख लेते। इंशाल्लाह ये आरजू भी जरूर पूरी होगी। क्या मुसीबत है यार, चल भागते हैं। अरे काश की ये मुसीबत मेरे गले में होती यार, तो मैं इसकी राहों में आंखें तो क्या, दिल गुर्दा हड्डियां फसलियां सब निकाल के रख डाल। तो ठीक है बेटे, तुम यहाँ पर हड्डियां फसलियां निकालो, मैं यहाँ से भागता हूँ। अरे अजीब घन चक्कर है यार, ना तो खुद प्यार करता हूँ ना मेरे को करने को देता है। अरे कहाँ जा रहा है यार, मैं भी आता हूँ तेरे साथ में। येड़ा बड़ा फलक को अभी दिल जलों से काम नहीं, तुझे ना अपना बना लूं तो फिरोजा नाम नहीं। पमों की आग में जलना तुम्हारा काम नहीं, हमारे हुस्न का यूसुफ से कम मकाम नहीं। अनवर बंदा परवर ताज्जुब है, तुम जिस पर जान छिड़कती हो वो तो तुमसे जान छुड़ाता है, और हम तुम पर जान छिड़कते हैं तो तुम हमसे ही दामन बचाती हो। इसलिए कि कांटों से हमेशा दामन बचाया जाता है। तुम्हारी बेरुखी पर भी तुम्हारा नाम लेते हैं, उलों से खार बेहतर है जो दामन थाम लेते हैं। शट अप। भाई बेगम ये क्या हो रहा है? अच्छा यूसुफ मियां का कुर्ता तैयार किया जा रहा है। आप तो जानते ही हैं यूसुफ मियां को बाजारी कुर्ते बिल्कुल पसंद नहीं, तो इसीलिए बेगम साहबा अपनी नाजुक नाजुक उंगलियों को जहमत दिया करती हैं। इसलिए जहमत काहे की, ये तो मेरी खुशनसीबी है। मैं दुआ करती हूँ कि खुदा हर माँ बाप को यूसुफ जैसी नेक और सादतमंद औलाद अता फरमाए। आमीन। बेगम ये सब ख्वाजा गरीब नवाज की दुआओं का तुफैल है। जी हाँ। अच्छा हाँ साहबजादे अभी तक कॉलेज नहीं है? बस आते ही होंगे। अम्मी ये लो, ये लो। अम्मी जान अब्बा जान की खिदमत में आ रहा। जीते रहिए आइए। भाई दया कर दिया आपने। ये किसके लिए बनाया जा रहा है? भाई तुम्हारा ही होगा, हमारा तो हो नहीं सकता। मैं तुम्हारी मदद कर दूं। ये लो। सुभान अल्लाह। हाय अल्लाह। गया काम से, कल तलक तो भागते थे औरतों से दूर दूर, आज यूं बुध बन गए हुस्न जुलेखा देखकर। अबे अल्फो होश में आ, ये इश्क का मैदान नहीं है, कॉलेज का कंपाउंड है। अगर प्रिंसिपल साहब ने देख लिया तो अपन दोनों की छुट्टी हो जाएगी। चल क्लास का टाइम हो गया, जल्दी चल यार, चल आजा। येड़ा चल। ताजमहल सिर्फ संगमरमर की तराशी हुई एक हसीन इमारत ही नहीं, बल्कि मुमताज के दिल की आखिरी ख्वाहिश भी है, और शाहजहां के ख्वाब की ताबीर भी, जिसकी तामीर पर शाहजहां ने बेशुमार दौलत खर्च करके अपनी बेपनाह मोहब्बत का सबूत पेश किया है। ताजमहल की कुशादा दीवारें और वो नक्श निगार और आसमान से बातें करती हुई मीनारें पुकार पुकार कर कह रही हैं कि सच्चा सच्चा प्यार अमर होता है। सलमा सलमा लो, ये तो अभी से अमर हो गई। अरे वो सलमा। हाँ तो मैं क्या पढ़ रही थी? क्या पढ़ रही थी? वही जो तू नहीं सुन रही थी। क्या मतलब? मतलब खोई खोई हो बेकरारी है, खुश तो है जिसकी पर्देदारी है। क्या बक रही है? बक रही हूँ आदतों में कुछ इजाफा देखकर, खत का मजमू भांप लेती हूँ लिफाफा देखकर, अदाबर से चल शरीर कहीं की। मैं तो हट जाऊंगी मगर जो दिलो दिमाग पर छाया हुआ है उसे कैसे हटाऊंगी मेरे।
इस कदर गौर से ऐ देखने वाले ये पता मुझ में क्या बात नहीं जो मेरी तस्वीर में है। तुझ में और इसमें मेरी जान है फर्क इतना सा, ये मेरे पास है और मुझसे बहुत दूर है तू। अरे भागती है कि नहीं? हाय नैया। कुड़ी कबाड़ी हड़ा। हाय नैया। कहा मैया? हाय नैया। कहा मैया? अल्लाह की कसम, गलती से माँ बाप ने मेरा नाम कमाल रख दिया है। कमाल तो तुम करता है यार, एक रात में मसविर भी बन गया और तस्वीर यार भी बना दी। हाय क्या जब्बार तस्वीर बनाई है मेरे दोस्त, फकत बोलने की देरी है, जी मैं आता एक चुम्मा ले लूं। अरे इधर ला रे, अमानत में खयानत। खयानत तो तुम करो यार, मैंने तो इसलिए कहा था ताकि जिसकी अमानत है उसके घर में पहुंचा दूं। आपको तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं, हम खुद पहुंचा देंगे। तो फिर ठीक है मुन्ना, तुम अपने महबूबा के घर जाओ और हम चले कॉलेज। अबे ठहर यार, मुझे भी तो जाना है। तुमको भी जाना है तो फिर जल्दी करो, अपने पास में टाइम नहीं है। तू एक मिनट ठहर, मैं कपड़े बदल कर यूं गया और यूं आया। ठीक है लेकिन तस्वीर मेरे को देते हुए जाना। देख बाथरूम में तू तस्वीर को क्या करेगा? गड़बड़ मत करना, दोस्त का माल अपना माल है, गड़बड़ नहीं करना साला। यूसुफ तेरी जुलेखा, तेरी लैला भी तो साथ है बेटे। अरे लैला तो काली थी, ये तो हूर है। हूर ज्यादा मत घूर, चल बेटे आगे बढ़ आगे चल। सलमा ये तो तेरी तस्वीर है। हाय अल्लाह, ये तो मेरी तस्वीर है। जैली सिर्फ आशक ही नहीं, बेमिसाल आजिज भी मालूम होता है। सुनिए सुनिए, जी जी जी, मेरा नाम सुनिए नहीं, मेरा नाम कमाल है। और आपका नाम? रुखसाना। मैं पूछती हूँ ये तस्वीर किसने बनाई? ये तस्वीर तो आपकी नहीं है। मेरी नहीं, पर मेरी सहेली की तो है। सहेली? अजीब है पहली, क्या एक औरत की दो शक्ल नहीं हो सकती क्या? काफी होशियार मालूम होते हैं। जर्रा नवाजी का शुक्रिया अदा करूं। शट अप, मैं अभी जाकर प्रिंसिपल साहब से तुम्हारी शिकायत करती हूँ। चलो सलमा। भगवान के लिए, सुनिए, खुदा के लिए, अल्लाह के लिए अपना गुस्सा थूक दीजिए और प्रिंसिपल साहब से मत कहिएगा। अरे यार हंसी तो फंसी। शबाब हुस्न का कागज पे उतर आया है, हाय बनाने वाले ने दिल से बनाया है। क्यों, क्या ख्याल है? मुझे क्या मालूम। राज हम राज से छुपाओ ना, दिल का क्या हाल है बताओ ना। देख रुखसाना, तू दिन पर दिन शरीर होती जा रही, मैं खाला जान से कह के तेरी पिटाई करा दूंगी। हाँ अच्छा जी, तो अब आप हमारी पिटाई भी करवाएंगी? मेरे को आज गंजे की पिक्चर देखने का। देख गंजे की पिक्चर बाद में देखना, पहले मेरे साथ चल। गंजा कौन मालूम तेरे को? यूल ब्रेनर, तारस बलवा देखने का मेरे को। हाँ लेकिन यार मेरी बात सुन, दूसरी पिक्चर चलते। हाय दूसरी पिक्चर में? हाय मैं तो वही देखने वाला। अरे तू फिर मेरी बात समझता नहीं। जान बची तो लाखों पाए, घर के बुद्धू कॉलेज आए। मेहरबान बच गई जान, मैं तो डर रहा था कहीं तुम्हारे झुके हुए सर के ऊपर चप्पलों की बरसात कहीं ना शुरू हो जाए। ये तो खुदा का लाख लाख शुक्र है कि बला टल गई। कौन है ओए बेटे, भाग यहाँ से, असली बला तो अब आई है। ले 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 सिगरेट की। अरे सिगरेट विगरेट तू उठा यार, मुझे बुक पकड़ने दे, तू मिलना मुझे ऊपर। चल चलो मैं। नहीं यार मैं भागता हूँ। माना नसीब है अभी मेरा जवाल में, लेकिन फंसोगे एक दिन तुम मेरे जाल में। यूसुफ न फंस सकेगा कभी तेरे जाल, बेहतर यही है मुझको बसा ले ख्याल में। ये मोर मसूर की दाल है जालिम, कभी तो मोहब्बत भरी निगाह डाल। फेरजा जस्ट अ मिनट। नान क्या बात है? कल कॉलेज के इनामी मुशायरे में आ रही हो ना? मुझे मुशायरे उशायरे से कोई दिलचस्पी नहीं।
समझे? मैं तो समझ गया, लेकिन कल के मुशायरे में यूसुफ मियां भी हिस्सा ले रहे हैं। तब तो जरूर आऊंगी। बाय बाय। बाय। मेरे लिए न सही, यूसुफ के लिए ही आओ, मगर आओ तो सही। तुम्हारा कसूर नहीं, मोहब्बत सर चढ़ के बोलती है। अबे जावे मच्छर की औलाद। भाई नवाब साहब, आज तो आपको इकरार पूरा करना पड़ेगा। भाई किस बात का इकरार करना पड़ेगा? अब मैं अजीब घनचक्कर आदमी हूँ भाई, हमारी तुम्हारी दोस्ती अब रिश्तेदारी में बदल जानी चाहिए। रिश्तेदारी? हाँ। अख्तर मियाँ अब समझा। बहुत देर से समझे। अख्तर मियाँ आपका मतलब ये है कि आपके फर्जंद को मैं अपना फर्जंदगी में ले लूं? जी करेक्ट जी। अई माशाल्लाह बड़ा हो गया होगा बच्चा। ऐसा वैसा माशाल्लाह जवानी टपक रही है। वाह 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 वाह, क्या जवानी है, क्या हट्टा कट्टा बच्चा है। तभी तो हाजी कुतुबुद्दीन चमड़े वाले हैं, जिनके बहुत से सिनेमा भी है। हम आप बरसों से पैगाम भेज रहे हैं, दिन में चार चार दफे आदमी भेजते हैं और कहते हैं अनवर को दे दो, अनवर को दे दो, अनवर को दे दो। अम्मा मैंने मना कर दिया। अब आप ही बताइए नवाब साहब की सनीमा और जहेज के चक्कर में पड़ के मैं अपने खानदान को बेच दूं? हरगिज नहीं। आप ठीक कहते हैं। नवाब साहब, आप जैसे खानदानी घर में मेरा अनवर जाए, मेरी खुशनसीबी। मुझे एक पैसा नहीं मिले तो परवाह नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? चमड़े वाले ने दहेज में क्या देने के लिए कहा था? एक लाख कैश और एक सिनेमा, कुछ भी तो नहीं है। हम 2 लाख कैश और 2 सिनेमा देंगे। ये बात हुई ना, कहां कुतुबुद्दीन चमड़े वाला और कहां आप। हाय डैड। हेलो बेटे। हेलो। क्या बात है, आज आप लोग भी खुश नजर आए। कुछ नहीं बेटे, ऐसी बैठे हुए बातें कर रहे। नहीं बेटे, आज हमने एक सौदा तय किया। टेबल पर बैठे बैठे? अरे बस बेटे, हम तो व्यापारी लोग हैं, जहां बैठ गए वहीं पे मंडी है। बाय 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 डाली, अभी कॉलेज से आ रही है। खुदा रसूल की कसम, हंसों का जोड़ा लगेगा। अख्तर मियां, तुम्हारे मुंह में शक्कर और गुड़, कमाल की बातें करते हो। हजरात, मशायरे का ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में हसन रजवी पेश कर रहा है। अभी अभी आपने असलम इलाहाबादी को सुना, अब आपके सामने हरदिल अजीज शायर रईस तगज़ुल शहनशाह तरन्नुम, जिनकी तारीफ करना गोया सूरज को चिराग दिखाना है। तशरीफ ला रहे हैं जनाब अनवर हुसैन साहब अनवर, जिनकी गजल का मतला है, कसमें हम अपनी जान की खाए चले गए, फिर भी वो एतबार न लाए चले गए। आइए जनाब अनवर साहब। कसमें हम अपनी जान के खाए चले गए, कसमें हम अपनी जान के खाए चले गए, फिर भी कहकर गए थे वो के ना आएंगे अब कभी, कहकर गए थे वो के ना आएंगे अब कभी, लेकिन ख्याल बन के वो आए चले गए, फिर भी वो एतबार न लाए चले गए।
कलाम और अपनी खुशबयानी से महफिल में समा बांध दिया है, लेकिन अब आपके दिलों को जीतने और मशायरे को चार चांद लगाने आ रहे हैं हजरत गुमनाम। जिन्हें अपना नाम बताने से गुरेज है। बहरहाल नाम गुमनाम तखल्लुस में जो फरमाते हैं सबसे आखिर में तशरीफ वही लाते हैं। कल मेरी तरह मुझको सलाम आप करेंगे, कल मेरी तरह मुझको सलाम आप करेंगे। खामोश रहूंगा मैं कलाम आप करेंगे, कल मेरी तरह मुझको सलाम आप करेंगे। दिखला के झलक होश तलक छीन लिया है, खामोश रहूंगा मैं कलाम
रातें न रही मेरी ना अब दिन रहे मेरे रातें न रही मेरी ना अब दिन रहे मेरे रहते हैं सदा आप ख्यालात को घेरे रुखसार पे बिखरा के ये जुल्फों के अंधेरे जुल्फों के अंधेरे कब तक के यूं ही सुबह को शाम आप करेंगे खामोश रहूंगा मैं कलाम आप करेंगे कल मेरी तरह मुझको सलाम आप करेंगे नजरे और दिल भी यही है कैसे कहूँ चाहत का असर उन पे नहीं है लग जाएगी कुछ देर मगर मुझको यकीन है मुझको लोगों के तासुरात और हजरत गुमनाम का कलाम और अंदाज बयान को मद्देनजर रखते हुए हमारे जज साहिबान ने यह फैसला किया है कि इस मशायरे का सेहरा हजरत गुमनाम के सर बांधा जाए और इनाम से सरफराज किया जाए लिहाजा हजरत गुमनाम से गुजारिश है कि वो बराए करम आप लोगों के सामने तशरीफ लाएं हजारों की मुबारकबादियां मिली हूँ उन्हें मेरी एक मुबारकबाद ना देने से क्या फर्क पड़ता है अरे सिल्लो तुझे नहीं मालूम तेरी एक मुबारकबाद हजारों तो क्या लाखों भी भारी है अच्छा यार है तू बड़ा खुशनसीब अखियां से अखियां मिली प्यार भी हुआ मुशायरे के बहाने महबूबा का दीदार भी हुआ ले खड़ी हुई तेरी मेरे मेरी वाली भी तो साथ में है मिलने मिलने बढ़ जाके हुस्न के जलवों से तो सैराब आंखें हो चुकी वाह वाह कान अब बेताब हैं आवाज सुनने के लिए मेरे दोस्त को जरा आपकी आवाज भी सुना दीजिए सुनिए
मुझसे आपने कुछ कहा? आपने फरमाइए। हम दोनों की तरफ से मुबारकबाद कबूल कीजिए। शुक्रिया, आपकी मुबारकबाद तो मैंने ले ली, मगर इनकी मुबारकबाद मैं कैसे ले लूं? इनकी तरफ से भी मैं ही दे रही हूँ। क्यों, इनके मुंह में जुबान नहीं है क्या? रुखसाना, इनसे कह दो मोहब्बत बेजुबान होती है। सुभान अल्लाह, आपके जवाब ने तो हमें लाजवाब कर दिया। अरे सूखी थी रोटी, आपने कबाब धर दिया। आपको मेरा शेर पसंद? चुप है। क्या हुआ यार? मैं तो ऐसे ही बोल रहा था यार। यार तूने सारा का सारा मजा किया कर दिया। लेकिन मैं तो समझा कि लोग कहते। चुप, चल चल यार, बहुत चिल्लाते यार। तेरी मुशायरे की नाकामी पे मुझे भी सख्त अफसोस है, लेकिन उस परवरदिगार ने तेरे गम को हजार खुशियों में बदल दिया। मगर मैं कुछ समझा नहीं डैडी। अरे बरखुरदार, बरसों से तेरी शादी के लिए मैं चक्कर चला रहा था, उसमें आज कामयाबी मिल गई। लड़की के बाप ने सारी बातें मंजूर कर ली, दहेज के अलावा तो सिनेमा भी तेरे नाम पे हो जाएगा। लाख की गुड़िया और करोड़ की पुड़िया। मगर डैडी न मुझे लाख की गुड़िया चाहिए न करोड़ की पुड़िया। लड़की को देखेगा तो तड़क उठेगा। टेलीफोन, ओफो, कमबख्त, ये टेलीफोन भी बेवकता है। कहीं संदीप जी का नहीं हो टेलीफोन? अच्छा बेटे, तू फोटो देख, मैं आ गया था। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, चंदे आफ्ताब, चंदे महताब, बिजली है सरकार, बिजली पावर की कमी दूर हो जाएगी। क्या बकता है? बकता नहीं हूँ सरकार, सच कहता हूँ। जब असली बिजली घर में आ जाएगी तो फिर नकली बिजली का क्या काम? चुप, खुशामद कहता है। सरकार एक नजर देख तो लीजिए। फिरोजा? फिरोजा नहीं, बिजली है बिजली, गिर पर आना दिल पर बिजली का अंडा। चल भाग यहाँ से। कल मेरी तरह मुझको सलाम आप करेंगे, खामोश रहूंगा मैं कलाम। बहुत खूब, बहुत खूब। बेजुबान मोहब्बत के मुंह में जुबान तो आई, मगर प्याम से पहले कयाम की तैयारी। सुभान अल्लाह, हजरत यूसुफ का हुस्न देखकर मिस्र की सैकड़ों लड़कियों ने लींबू की बजाय अपनी उंगलियां काट डाली थी, मगर मेरा दावा है अगर इस वक्त तुम्हारे हुस्न को तुम्हारा यूसुफ देख ले तो बजाय उंगलियों के अपना हाथ काट डाले। चल है चली कहीं की। तमाचा मार कर मेरी जुबान क्यों बंद करती हो? मोहब्बत की है तो फिर किस लिए दुनिया से डरती हो? तुम ऐसे नहीं मानोगी, ठहरो मैं अभी खाला जान से तुम्हें शिकायत करती हूँ। पढ़ने के बाद ही मैं बता सकता। क्या लिखा है? लिखा है भाईजान शीरा जान आदा। अर्थ है कि सलमा के वालिद मरहूम ने जो अपनी जिंदगी में सलमा का रिश्ता तय किया था, वहां से पैगाम आया, वो लोग ईद के चांद में शादी तय करना चाहते, लिहाजा इम्तहान खत्म होते ही आप रुखसाना, सलमा और हमशीरा को लेकर चले आए और अपने हाथों से ये काम अंजाम दिए। खुदा आज सुबह से काम नहीं चलेगा सलमा, हिम्मत से काम लो। रुखसाना, अगर वाकई तुम यूसुफ से प्यार करती हो तो इस खामोशी के ताले को तोड़ फेंको, वरना ये आंसू तुम्हारी जान ले लेंगे। मैं क्या करूं रुखसाना, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। आदमी वहीं तक पीछे हटता है जहां तक दीवार होती है, और ये जानते हुए कि हाथ कट जाएगा मगर फिर भी वो तलवार को पकड़ लेता है। मैं समझी नहीं। नादान न बनो सलमा, अब भी वक्त है। जाओ अम्मी जान से जाके कह दो कि तुम्हें रिश्ता मंजूर नहीं। मैं अपनी जुबान तो काट कर फेंक सकती हूँ, लेकिन उनके सामने जुबान नहीं खोल सकती रुखसाना। तो ठीक है, मैं जाके कह देती हूँ। तुझे मेरी कसम रुखसाना, रुक जा, मैं अपने प्यार के खातिर तुझे ऐसा कोई कदम नहीं उठाने दूंगी जिसकी वजह से खालू जान और खाला जान के दिल को ठेस पहुंचे। तुझे उनके दिल की फिक्र है और मैं तेरी जिंदगी का सोच रही हूं। जज्बात में पागल ना बन रुखसाना, तू मुझे खुश रखने के लिए मेरी बेवा माँ की खुशियां छीन रही, जिनके कदमों में जन्नत है। जन्नत और दोजख तो बाद की बात है, यहाँ तो जिंदगी और मौत का सवाल है। छोड़ दे मेरा रुखसाना, खुदा के लिए रुक जा,
मैं अपने प्यार के खातिर अपने बुजुर्गों की इज्जत पे कीचड़ नहीं उछाल सकती, उनके हुक्म पर अपनी मोहब्बत तो क्या अपनी जान भी कुर्बान कर सकती। अगर तेरी यही मर्जी है तो मैं मजबूर हूँ। अरे अपन फेल हो गया तो क्या हो गया, अपना यार तो पास हो गया। अल्लाह की कसम यहाँ पे भी तूने कमाल कर दिया यार, फर्स्ट क्लास फर्स्ट आ गया और अपन वही के वही रह गए। छोड़ यार, नंबर देखने कौन आया है? तो फिर काहे के लिए? हम तो उन्हें देखने आए हैं। उन्हें किने? यार वो कोई नजर नहीं आ रहे। अरे तू उन लोगों की बात कर रहा है तू? हाँ। उन लोग बुद्धू नहीं है अपने जैसे? हाँ? उन लोग बहुत शाने लोग है, घर के अंदर पेपर के अंदर से अपना नंबर निकाल लेंगे वो लोग। चल चल अपन यहाँ से खिसकते। अरे यार दो मिनट ठहर यार, वो लोग आते ही होंगे यार। देख दो मिनट तू ठहर, मैं तो चला। हाँ मेरे को मैटनी शो देखने का। अरे मैटनी शो में तू क्यों रो रहा है? मैं इस साल भी फेल हो गया तो नेक्स्ट ईयर पास हो जाएगा। चल मेरे साथ तू। चल। अच्छा। अबे यार बात तो सुन, अपने मैटनी शो को बहुत टाइम है यार, 3 बजे का शो है, 2 भी नहीं बजे यार, जल्दी। यार मैंने तेरे को कितने बार बोला कि लड़कियों का नाम और पता मालूम करा ले, कम से कम इतना मालूम करा था कि वो कौन से क्लास में पढ़ रही है। आज काम आता ना तेरे को? 2 मिनट मेरे राजा, 2 मिनट। दो मिनट कुछ नहीं, अपने पास में टाइम नहीं है। अपने वो दो फुल का मैटनी शो देखने का, रिएक्शन देख के महमूद भाई को रिपोर्ट देनी है। अगर तेरे को चलने का तो तू चल, नहीं तो मैं तो चला। क्या यार जब बोल रहा? अरे चलना यार अभी। क्या जब बोल रहा? छावे चल नीचे बैठ। नीचे बैठ, ऊपर बैठ रहा है कदा कहीं का। जब देखो गाड़ी को गाली मत दे, उसको गाली मत दे। डैडी मैंने कहा था ना इस साल जरूर पास हो जाऊंगी। शाबाश बेटे शाबाश, पास होगी। लाइए मेरा इनाम। बेटे मैं तेरे लिए बहुत बड़ा इनाम तैयार रखा है, मैंने तेरी शादी तय कर दी है। शादी तय कर दी? अरे बेटे सिर्फ तय की है, की तो नहीं। अगर तुझे ऑब्जेक्शन है तो मैं ये शादी कैसे जल्दी कर सकता हूँ? नो डैडी, मैं शादी नहीं करूंगी। शादी नहीं करूंगी? क्या मतलब? उम्र भर कुंवारी रहने का इरादा है? नो डैडी, शादी करूंगी मगर अपनी पसंद। वेरी गुड वेरी गुड, अपनी पसंद से करोगे तो अपने को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। वेयर इज द बॉय? इज एन हैंडसम बॉय, शो मी। श्योर, आई विल शो यू वेरी सून। हैंडसम है, खूबसूरत है। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। देखिए ये हार आपको पसंद है? है तो बहुत अच्छा, लेकिन तुमने शाहजादे की राय भी ले ली है या नहीं? उससे क्या पूछना, आखिर वो हमारा बेटा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि उसे हमारी राय से इत्तेफाक। अम्मी अब्बा जान, मैं फर्स्ट क्लास फर्स्ट आ रहा हूँ। अरे शाबाश बेटे शाबाश, देखा देखा बेटा फर्स्ट क्लास फर्स्ट आया है। बेटे अब मैं तुम्हें इससे बड़ी खुशखबरी सुना रहा हूँ, दूल्हा बनने के लिए तैयार हो जाओ। क्यों यूसुफ, तुम्हें इस बात से खुशी नहीं हुई? ऐसी बात नहीं अम्मी जान, मैं आप लोगों की खुशी में खुश हूँ। खुदा तुम्हारी उम्र दराज करे, तुमने अपनी खुशी का इजहार करके हमारे दिल का बोझ हल्का कर दिया। जाओ बेटा आराम करो। अच्छा बना दे दे रहा। देखिए मैं ना कहती थी कि यूसुफ मियां को हमारी राय से कभी इनकार नहीं होगा। मुझे भी यही यकीन था, लेकिन फिर भी औलाद की राय लेना बहुत जरूरी है। अच्छा बेगम जरा संभलो तो, देखें तो देखें तो। अरे वाह क्या बात, हटिए भी, इस उम्र में ये मजाक अच्छा नहीं लगता। भाई मजाक नहीं कर रहा था, मैं तो ये देख रहा था कि ये हार बहू बेगम के गले में कैसा लगेगा। बहुत अच्छा लगेगा। इसमें हंसने की क्या बात है यार? बात तो रोने की है मेरे दोस्त, मगर हंसी आ रही तुम्हारी बेवकूफी पर। बेवकूफी और नहीं तो क्या, आला तालीम हासिल करने के बावजूद भी तुम अपने ख्यालात नहीं बदल सके। अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना मेरे दोस्त, तो सीना ठोक कर कहता ये शादी मुझे मंजूर नहीं। मेरे दोस्त आला तालीम का यह मतलब नहीं कि इंसान इंसानियत शराफत और इखलाक से गिर जाए। आला तालीम का यह मतलब नहीं कि इंसान बद जबान बद तहजीब और बद दिमाग हो जाए, बल्कि आला तालीम का यह मतलब है कि इंसान बड़ों की इज्जत बुजुर्गों का अदब और माँ बाप की फरमा बरदारी करे। वाह 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 वाह, तो इसका मतलब ये हुआ अगर माँ बाप कहे कि कुएं में गिर पड़ो तो गिर जाना चाहिए। अव्वल तो कोई भी दुनिया में माँ बाप अपनी औलाद को कुएं में गिरने के लिए नहीं कहते दोस्त, अगर कहें भी तो उस औलाद का फर्ज है कि हंसते हुए अपने माँ बाप के हुक्म की तामील करे। तो जाओ अपने माँ बाप का फर्ज अदा करो, मेरे पास में मशवरा लेने के लिए तुम क्यों आए भाई? तुमसे मशवरा लेने नहीं यार, तुम्हें तो दावतनामा देने आया हूँ। दावतनामा? ठीक है आ जाऊंगा। जरूर आना। आ जाऊंगा आ जाऊंगा। खुदा हाफिज। बेटा फिर क्या हुआ? फिर क्या बात है? ठेठी वो शादी कर रहा है। वो शादी कर रहा है? कौन शादी कर रहा है?
माय बॉयफ्रेंड। किससे शादी कर रहा है? दूसरी लड़की से। दूसरी? वो दूसरी लड़की से शादी कर रहा है और तुम गमगीन बैठी हो? उठो बेटे आओ। अगर वो दूसरी लड़की से शादी कर रहा है तो तुम अपने दूसरे लड़के से शादी कर लो। बट किससे डैडी? हाँ बताओ कौन सा लड़का? अभी बताता हूँ। आँख बंद करो, आँख खोलो। अनवर। पसंद आया ना? मुझे पता था कि मुझे जो लड़का पसंद आएगा वो तुम्हें जरूर पसंद आएगा। चलो आओ खाना खाएंगे। फार्म तैयार हो चुका है, अब दुल्हन की रजामंदी के वास्ते गवाहों को वकील को भेजाइएगा। बेहतर है। शमसुद्दीन खान जी मियां, डॉक्टर हमीद, आप लोग बहसियत गवाह के दुल्हन के पास तशरीफ ले। मिर्ज़ा यूसुफ बेग, वल्द मिर्ज़ा सहाक बेग, मुसम्मात सलमा बेगम, बिनते ज़ुबैदा बेगम, आपको बेवज़ मुबलिग 51,000 रुपये नग सिक्के राजुल वक्त मिर्ज़ा यूसुफ बेग की ज़ौजियत में दिया जाता है। आपको कबूल है? आपको कबूल है? हाँ कह देना। आपको कबूल है? कबूल है, कबूल है। सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुबारक हो दुल्हन ने कबूल किया। माशाल्लाह क्या नूर है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله نعبده ونستعينه وأعوذ بالله من شرور أنفسنا وأعمالنا الفاتحة अभी जाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ रखिए। जी शुक्रिया शुक्रिया। जरा दुल्हन को बुलाइए। क्या दुल्हन बैठी है? अल्लाह ईमान, जिसके हया नहीं उसके ईमान नहीं। अच्छा ये शो क्या वक्त है तुम? जी मैं कुछ नहीं पूछते कहता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि दुल्हन का नाम क्या है? ओहो ये कहते हैं तुम? मिस फिरोजा। फिरोजा बहुत अच्छा नाम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम بسم الله الرحمن الرحیم مسمات فروزہ بیگم آپ کو 1,25,000 روپیہ نقد سکہ راج الوقت انور صاحب کے زوجیت میں دیا جاتا ہے آپ کو قبول ہے یس مہربانی کر کے ذرا ہندوستانی میں جواب دیجیے جی ہاں جی ہاں جی ہاں मेरी इस नसीहत को हमेशा याद रखना बेटी। शौहर के काम, सास ससुर की खिदमत और खुदा की इबादत से कभी गाफिल न होना। बेटी
ये हसीन रात इंसान की जिंदगी में सिर्फ एक बार आती है, मगर मेरे लिए इसका आना न आना दोनों बराबर है। तुम मेरी शरीक हयात बन चुकी हो, इसलिए मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहता। ये शादी मैंने अपने माँ बाप की खुशी पूरी करने के लिए की है। मैं तुम्हें दुनिया भर की खुशियां दे सकता हूँ, मगर एक खुशी नहीं दे सकता, और वो है मोहब्बत, क्योंकि वो मैं किसी और को दे चुका हूँ। खुदा हाफिज। कल मेरी तरह मुझको सलाम आप करेंगे, खामोश रहूंगा मैं, कलाम आप करेंगे। ये शेर तुमने कहां से सुना? मैं पूछता हूं, ये शेर तुमने कहां से सुना? तुम जवाब क्यों नहीं देती, खामोश क्यों हो? ये शेर तुमने कहां से सुना? मेरी बात का जवाब दो। मोहब्बत बेजुबान होती है। सलमा, सलमा, ये मैं क्या देख रहा हूं? अल्लाह की कुदरत। सलमा, ताज्जुब है, आने वाले हमेशा बाहर से अंदर आने की इजाजत मांगते हैं, और आप? करीब आकर कह रहा हूँ, बात दरअसल ये है कि लोग घर में दाखिल होने की इजाजत मांगते हैं, इसलिए दूर से आवाज देते हैं, और मैं तुम्हारी आगोश में आना चाहता हूँ, इसलिए नजदीक से कह रहा हूँ। ओह, मैं तो समझ रही थी कि मुशायरे में नाकाम होने के बाद आपने शायरी छोड़ दी होगी। मुशायरा हार गया था इसलिए छोड़ दी थी, और अब तुम्हें जीत लिया है इसलिए फिर से शुरू कर दी। खैर, शेर और शायरी के लिए तो सारी उम्र बड़ी है। ये बताइए, गरीब खाना पसंद आया? गरीब खाना तो अजायब खाने की तरह बहुत बड़ा है, लेकिन दरवाजे चिड़ियाघर की तरह छोटे हैं। दरवाजे इसलिए छोटे हैं कि आज के दौर का इंसान भी छोटा होता है। लेकिन जनाजा तो बड़ा होता है। जनाजा? देखो डाली, ऐसी रंगीन रात में मौत जनाजे के बाद अच्छी नहीं लगती। रात रंगीन हो या संगीन, मरना तो हर हाल में है, इसलिए मौत को हमेशा याद रखना चाहिए। खुदा के लिए इस फलसफे को किसी और दिन के लिए उठा रखो, कुछ प्यार और मोहब्बत की बातें करो। प्यार मोहब्बत की बातें कैसे करूं डार्लिंग? मेरे दिल में तो रह रहकर यही ख्याल पैदा हो रहा है कि दरवाजे छोटे हैं, इसमें से जनाजा कैसे निकलेगा? ओह, ऐसा लगता है कि मैं शबे उरूसी के कमरे में नहीं किसी कब्रिस्तान में आ गया हूँ, और शबे विसाल की तमाम आरज़ुओं को नाकामियों के कफन में लपेट कर यही दफन करके जा रहा हूँ। सुनिए, कम से कम फातिहा तो पढ़ते जाइए। कल तक तो मेरी खिड़कियां भी हंसकर बर्दाश्त कर लेते थे, और आज सरा सा मजाक भी बर्दाश्त न कर सके। अगर मैं चाहूँ तो इनके सारे काम दर्द को बदल सकता हूँ। क्या हुआ बेटा? अब्दुल, शादी की पहली रात और मौत जनाजे की बात। मौत जनाजे की बात? हाँ, तुम्हारी नई मेम साहब कहती है इस घर के दरवाजे छोटे हैं, मुझे जनाजा कैसे निकलेगा? पक्की है सरकार, हमारे घर के दरवाजे इतने बड़े हैं कि इसमें से एक साथ दो दो दरवाजे निकल सकते हैं। उस गरीब पे क्यों बिगड़ रहे हो बेटे? दरअसल बहू बेगम जो कह रही है वो तुम समझे नहीं। क्या नहीं समझे डैडी? शादी की पहली रात और मौत जनाजे की बात? यही तो नहीं समझे तुम? अरे पगले, तुम बड़े खुशकिस्मत हो कि इतनी अकलमंद बीवी मिली है तुम्हें, क्योंकि हर लड़की अपने बाप के यहां से दुल्हन बनकर आती है।
और अपने शोहर के यहां से उसका जनाजा ही निकलता है। यही बात दूर आ रही है वो, और तुम हो पगले के नीचे आ गए। चलो ऊपर, चलो चलो। नादान बच्चा है, इतना अकल का कच्चा है। चकान अंगूर ईरानी है। सरकार, आपके दोस्त आपसे मिलन वास्ते आई है। ठीक है, उन्हें अंदर भेज। मुबारक हो यूं तुम्हें। मुबारक हो। मगर यार तू ये तो बता, तू शादी क्यों नहीं आया? मैं यार, तू तो जानता है मेरा काम कैसा है, कभी यहाँ कभी वहाँ, लेकिन मेरा प्रेजेंट तो मिल गया ना तुझे। वो मिल गया बस। अच्छा है, मैं जैसे ही यहाँ पहुंचा सीधा आ गया तुझे। बहुत अच्छा किया। अच्छा आया जी, सब लोगों के लिए फर्स्ट क्लास नाश्ता है। हम तो भाभी को देखने आए हैं। आया जाओ, भाभी से कह दो कि यूसुफ मियां के दोस्त आए और उनसे मुलाकात करना चाहते हैं। मेरी बात तो सुन यार, बात आज से तुम्हारी नहीं सुनी जाएगी, आज से भाभी साहब की बातें सुनी जाएगी। आप लोग ऐसा कीजिए, एक मिनट बैठिए, मैं अभी हाजिर। अच्छा ठीक, सुनो, दो मिनट नहीं लगाना। यू डोंट बी अफ्रेड। चलो बैठो जल्दी से। आया आया क्लास पढ़ लो। बैठो बैठो बैठो। बेगम साहिब, ठिकाने से कंधे चोटी कर ले। क्यों? छोटे सरकार का दोस्त आपका देखे बने नहीं ने? उसकी दवा कर। हाँ भैया। जा छोटे सरकार को यहाँ भेज। हाँ भैया। कह दिया उनसे? हाँ भैया। दैया की बच्ची। हाँ भैया। हाँ भैया, हाँ जब देखो दैया दैया। बेगम जी, बात दरअसल ये है कि मेरे कुछ दोस्त तुम्हें देखना चाहते हैं। ये आपका हुक्म है? हुक्म तो मेरा नहीं है बेगम, मगर सच पूछो तो मैं पर्दे का कायल नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि कहीं खूबसूरत चीज भी पर्दे में रहा करती है। जरा नवाजी का शुक्रिया, लेकिन हकीकत यह है कि खूबसूरत चीज ही के लिए पर्दा बना है। बिल्कुल नहीं, चांद को देखो, सितारों को देखो, सबके सब बेपर्दा है। चांद सितारे दिलकश नजारे जरूर बेपर्दा हैं, मगर मगर क्या? इन सब का बनाने वाला वो तो पर्दे में है। बेगम, तुम्हारी दलील ने तो हमें लाजवाब कर दिया। अब छोड़िए भी, ठिकाने से कपड़े वगैरह तो पहनने दे दीजिए। क्यों? अरे आपके दोस्त जो हमें देखने आए हैं। और शर्मिंदा ना करो, मैं उन्हें खिला पिलाकर अभी रुखसत कर देता हूँ। बेगम, आज हमारी जबान तारीफ किए बगैर नहीं रुक सकती। तो कीजिए ना, मना किसने किया है? बुढ़ापे में बीवी से बुराई मोल लेते हुए डर लगता है। आप कहना क्या चाहते हैं? आप सुनना ही चाहती? सुनिए, आपको मुझे समझने में 40 साल का वक्त लगा और बहू चंद हफ्ते में समझ गई। जी हाँ, सुबह उठते ही वजू के लिए गर्म पानी, नमाज से फारिग हुए नाश्ता, ऑफिस जाने से पहले पान। अम्मी जान पान। बेटी, तुमने क्यों तकलीफ की? आया को भेज दिया होता। आया ने बहुत दिनों तक खिदमत की है, अब इस कनीज को खिदमत का मौका दीजिए। मगर बेटी, नौकरों के होते हुए घर की बहू काम करे अच्छा नहीं लगता। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग मुझे अपनी दुआओं से महरूम रखना चाहते हैं? नहीं बेटी, ये बात नहीं, हमारी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। तो फिर अम्मी जान वादा कीजिए कि आइंदा आप मुझे घर के काम काज करने से मना नहीं करेंगे। बेटी, खुदा हर सास ससुर को तुम्हारे जैसी बहू दे। जी सरकार। रात में इंसाफ कब आएगी सरकार? शर्म आती है, रात को 1 बजे मुझे जगाया क्यों नहीं सरकार? कैसे जगाता? अगर मैं रात को 1 बजे जगाता तो ये घर लड़ाई का मैदान बन जाता, महाभारत शुरू हो जाती। महाभारत तो एक ना एक दिन होनी है अब्दुल, पर ताश की भी हद हो गई। आज मैं इसका फैसला करके ही रहूंगा। सरकार, जोश में आकर होश में गवाइए।
धुआं धुआं 8 दिन हुए आपकी शादी को, अगर यही लड़ाई झगड़ा रहा तो लोग क्या कहेंगे? मुझे लोगों की परवाह नहीं। सरकार, अगर यही शक्ति आप पहले से बरतते तो ये नौबत तो नहीं आती। क्या मतलब? मतलब ये कि ना आप पतंग को इतनी ढील देते और ना पतंग इतनी ऊंचा उड़ती। अब्दुल जी, आज मैं खुली हवा में उड़ने वाली पतंग के कन्ने ही काट दूंगा। सरकार, पतंग तो उड़ गई, कन्नी काटना तो दूर रहा, डोर भी नहीं पकड़ सके। अब्दुल प्लीज। बेगम, हमारी टोपी हाजिर है। हमारा रुमाल आपकी जेब में। मेरा पर्स वो भी जेब में। ओह, मैं भूल ही गया था। आपको तो भूलने की आदत सी हो गई है। क्यों ना, जब याद दिलाने वाला खूबसूरत साथी मौजूद हो तो खुद ब खुद भूलने की आदत हो जाती है। जनाब, आज ऑफिस जाने का इरादा है या नहीं? जी नहीं। क्यों? तुम्हें छोड़कर कहीं भी जाने को जी नहीं चाहता। अगर आपकी तरह सारे मर्द हो जाए तो दुनिया का कारोबार ही बंद हो जाए। मेरी मोहब्बत का मजाक मत उड़ाओ सलमा, मैं दिल के हाथों मजबूर हूँ। अच्छा, बहानेबाजी छोड़िए, टोपी पहनिए और चलते बनिए, चलिए। बाबा जाते हैं, नाराज क्यों होती हो? खुदा हाफिज़। पिया मानुल्ला। लड़ी क्यों तोड़ी जा रही? प्लेटें नहीं तोड़ो तो क्या अपना सर तोड़ो? ये भी सही खाना है, कभी नमक तेज तो कभी मिर्च लदारत, कभी गोश्त कच्चा तो कभी रोटी जली। जिस दिन से इस घर में आई हूँ एक वक्त भी पेट भर खाना नहीं खाया। ऐसा खाना तो हमारे यहाँ कुत्ते भी नहीं खाते। सुभान को लगाम दो फिरोजा, तुम मेरी शराफत का नाजायज फायदा उठा रही हो। ये लाल पीली आगे किसी और को दिखाना, मैं तुम्हारी गीदर भपकियों में आने वाली नहीं। मेरी गैरत ना झिझोड़ा वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। हाथ उठ जाएगा? कल तक मेरे पीछे पीछे मियाँ मियाँ करने वाली भीगी बिल्ली आज शेर की तरह गुर्राने लगी। तुम समझते हो तुम्हारी मार खा के मैं तुमसे डर जाऊंगी? ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। अब मैं इस घर में एक मिनट भी नहीं रहूंगी। क्या तो रही हो फिरोजा, अब तुम उस वक्त आना जब तुम्हारे सबसे बेगैरत का भूत उतर जाए। और क्या, तुम्हारे लिए मेरे घर के दरवाजे हमेशा खुले रहे। आए मेरी ड्यूटी। अच्छा, तो उसने तुम्हें तमाचा भी मारा? यस डैडी। घर से बाहर निकाला? नो डैडी, वो तो मैं खुद से चली आई। शाबाश शाबाश बेटा, उस नालायक के घर में तो एक मिनट भी रहना हराम है। अरे तेरे घर में क्या कमी है, तेरे बाप के घर में क्या कमी है? मोटर फोटर घोड़ा गाड़ी खाना पीना ऐश कर बेटे, तू अपने बाप के घर में ऐश कर। टेडी, मैं बंबई जाकर फिल्म एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ। क्या फिल्म एक्ट्रेस? आप अपने दोस्त के नाम एक लेटर दे दीजिए ताकि वो मेरी हेल्प करे। मैं अपने दोस्त के नाम लेटर दे ताकि वो हेल्प करे? क्यों भाई, तेरे बाप के पास क्या कम दौलत है? जा बेटे, तुम वहाँ पिक्चर बना, प्रोड्यूस कर, तेरा बाप तुझे फाइनेंस करेगा। फाइनेंस होते जा रहे हैं। अरे भाई, नौकरों को क्यों कोस रही हो? काहिल तो हम भी हो गए। अच्छा बहू, अब जाकर आराम करो। शब बख़ैर, खुदा हाफिज़। बेगम, वो तो अपने नसीब अच्छे हैं जो ऐसी नेक सीरत बहू मिली है, वरना आजकल के जमाने में तो ऐसी बहुएं मिलती हैं जो सास ससुर की खिदमत करना तो दरकिनार, जीना दुश्वार कर देती है। बस बस, ज्यादा बातें ना बनाइए, दूध पीकर सो जाइए। हम तो रोज ही पीते हैं, आज थोड़ा सा तुम भी पी लो। जी नहीं, शुक्रिया। अच्छा। ओहो, फाइल छोड़िए भी ना और दूध पीजिए गरम गरम। क्या मतलब? मतलब ये, काम के वक्त काम
और आराम के वक्त आराम। चलिए दूध पीजिए। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? अभी अभी तो तुम्ही ने कहा है जाने मन, काम के वक्त काम, आराम के वक्त आराम। तो फिर आराम कीजिए ना, शरारत क्यों कर रहे हैं? हाय, हया को एक तरफ रखो, शरारत कुछ तो होने दो। तुम अपनी मरमरी बाहों में दीवाने को सोने दो। तेरे घर के दरो दीवार से आवाज आती है, मदीने चल तुझे अल्लाह की रहमत बुलाती है। जगा दे हर मुसलमान को हाजी बना दे, या खुदा सोई किस्मत जगा दे हर मुसलमान को हाजी बना दे। सब लोग घूमे नाम अहमद कले लेके झूमे, बख्श देना तू सबकी खताएं, बख्श देना तू सबकी खताएं, संगे अस्वद को जिस वक्त चूमे अपनी शाने करीमी दिखा दे हर मुसलमान को हाजी बना दे। या खुदा सोई किस्मत जगा दे हर मुसलमान को हाजी बना दे। ऐसी बंदा नवाजी सबने पंज वक्ता नमाजी, मर के पाए शहादत का दर्जा, मर के पाए शहादत का दर्जा, जिंदा रह कर के कहलाए गाजी, हिफ्ज कुरान सबको करा दे हर मुसलमान को हाजी बना दे। या खुदा सोई किस्मत जगा दे
हर मुसलमान को हाजी बना दे। कट रही है तेरी रहमत कहाँ बट रही है, धीरे धीरे कहीं बुझ न जाए, धीरे धीरे कहीं बुझ न जाए, रोशनी दिन बदन घट रही है, शम्मे ईमान के लाओ बढ़ा दे, हर मुसलमान को हाजी बना दे। या खुदा सोए किस्मत जगा दे, हर मुसलमान को हाजी बना दे। सदा आसमां से कोई बिछड़े न इस कारवां से, नेक बद साथ पहुँचे मदीना, नेक बद साथ पहुँचे मदीना, सब मिले माल के दो जहां से, अपने महबूब का घर दिखा दे, हर मुसलमान को हाजी बना दे। या खुदा सोई किस्मत जगा दे, हर मुसलमान को हाजी बना दे, हर मुसलमान को हाजी बना दे, हर मुसलमान को हाजी बना दे। काश ये ख्वाब हकीकत हो जाए और मैं हुजूर की कदम बोसी के लिए मदीने पहुंच जाऊं। ये सुबह सुबह किससे बातें कर रहे हैं? बेगम, मैं अभी अभी ख्वाब में खाने कावा का तवाफ कर रहा था, फिर हुजूर की कदम बोसी के लिए गया, फिर मदीने की गली में फिर रहा था, और उसके बाद मेरी आंख खुल गई। सुभान अल्लाह, बहुत ही मुबारक ख्वाब था, खुदा करे इसकी ताबीर भी नेक हो। आमीन। बेगम, ये ख्वाब नहीं, अल्लाह की तरफ से बशारत थी। हम अपने तमाम फराए से सुबुकदोश हो चुके, खुदा के फजल से यूसुफ मियां ने कारोबार भी संभाल लिया है, अब कोई फिक्र नहीं, अब हज का भी ये फर्ज जल्द से जल्द पूरा कर दे तो बेहतर है। आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए। आप आज ही बंबई में हामिद मियां को टेलीग्राम कर दीजिए कि वो हमारी सीटों का बंदोबस्त कर दे। बहुत अच्छा बेगम, मैं आज ही टेलीग्राम करता हूँ। बन ही गया सर, बट डोंट फॉरगेट माय कमीशन, यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। कमाल करते हैं मिर्ज़ा जी आप। अरे काम तो हो जाएगा, दीजिए फिर आपको कमीशन भी मिल जाएगी। अरे भाई, अभी भी इसमें कुछ शको शुबे की गुंजाइश है? नहीं, डोंट वरी मुन्ना। आदाब बजा लाता हूँ मैडम। ओह मिर्ज़ा जी, थैंक यू। आपकी तारीफ। यही तो वो है मशहूर डायरेक्टर मुनव्वर हुसैन, जिनके मुतालिक मैंने पहले अर्ज किया था ना। आदाब बजा। आदाब, तशरीफ रखिए। हाँ तो आपने कौन कौन सी फिल्में डायरेक्ट की हैं? जी वैसे तो इन्होंने बहुत सी फिल्में डायरेक्ट की हैं, लेकिन एक फिल्म बहुत ही बड़ी डायरेक्ट की थी जिसका नाम था आग का दरिया।
बड़े अदाकारों ने काम किया था, लेकिन मैडम जरा गलती से वो प्ले हाउस पे रिलीज हो गई थी। प्ले हाउस? हाँ जी, मैं वही रहता हूँ। इनका मतलब ये है कि प्ले हाउस बम्बई का बड़ा ही मशहूर और तफरी वाला मकान है, बट कंजस्टेड एंड वेरी वेरी क्राउडी प्लेस। इसके अलावा जी अजी, वैसे तो इनके पास 10-12 फिल्में हैं, लेकिन लेटेस्ट जो अन करीब रिलीज होने वाली फिल्म है ना, उसका नाम है सच्चा आशिक। उसकी कहानी मकान में सिनेरियो ऑल रिटन बाय मी। बस इस फिल्म के रिलीज होने की देर है, फिर देखिएगा कि डायरेक्टर मुनव्वर हुसैन यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ और कहाँ से कहाँ पहुँचते हैं अपवर्ड। तो फिर काम शुरू कीजिए ना। मैडम काम तो शुरू हो चुका है, बट एक्सक्यूज मी, इनको कुछ एडवांस आई नीड टू से सम साइनिंग अमाउंट। ओह यस यस। अब्बाजान मुबारक हो, बम्बई से हमीद भाईजान का टेलीग्राम आया है, आप लोगों की सीटों का इंतजाम हो गया। अरे बेगम कहाँ हो, सुनती हो? क्या बात है? बम्बई से हमीद का टेलीग्राम आया। खैरियत तो है? हाँ सब खैरियत है, हमारी सीटें बुक हो गई, अब हज के लिए। मुबारक हो परवरदिगार, तेरा लाख लाख शुक्र। साहब ये लीजिए सिगरेट। थैंक यू, योर डिलीशियस सिगरेट। ये लीजिए। हाँ देखा मुन्ना, मेरा कमाल, एक ही झटके में कर दिया ना माला माल। अजीब मिर्जा साहब, ये आपका एहसान है, मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। बेटे जिस दिन भूले उसी दिन पत्ता कट फिनिश। क्या मतलब? मेरा मतलब ये है कि हर इंस्टॉलमेंट पे अपना कमीशन नेट। अरे यू आर वेरी वाइज बाबा, ये भी कोई बोलने की बात है। आधा बर्थ है, बैठिए बैठिए। हाँ तो मिर्जा जी, गाड़ी कहाँ तक पहुँच? गाड़ी तो मंजिल मकसूद तक पहुँच चुकी है मैडम, बस आपके एक सिग्नल की जरूरत है। क्या मतलब? मेरा मतलब ये है कि काम तो सब मुकम्मल हो चुका है, अब सिर्फ आर्टिस्टों के साइन कराने बाकी है। यमुना तो साइन कीजिए, देर किस बात की है? सवाल ये है मैडम कि आप फिल्म कोई छोटे पैमाने पे बनाना चाहती है या कुछ बड़े पैमाने पे? इनके कहने का मतलब ये है, ही मीन टू से कि आप हीरो हीरोइन छोटे मोटे चाहती हैं या बड़े बड़े, आई मीन टू से बिग वन। देखिए मिर्जा जी, हीरोइन का रोल तो मैं खुद करूंगी। ओहो बाय गॉड, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। क्यों मुन्ना? आप भी भला किसी हीरोइन से कम है? बिल्कुल नहीं। क्या नाक नक्शा है, क्या कुदरत ने हुस्न बख्शा है, चेहरे पे जुल्म का पहरा है, आँखों में दरिया ठहरा है। आय हाय क्या आवाज है, आय क्या अंदाज है। बस 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 बस, ज्यादा तारीफ मत कीजिए, पहले ये बताइए मैं हीरोइन के लिए फिट हूँ? अजी फिट, नॉट ओनली फिट, यू आर ऑल इंडिया हिट। मगर मैडम जब आप खुद हीरोइन का रोल अदा कर रही हैं, तो फिर आपके सामने भी हीरो अच्छा होना चाहिए। जैसे दलीप कुमार, राजकुमार, मनोज कुमार, धर्मेंद्र वगैरह वगैरह। अरे मैडम ये तो मेरे सामने के बच्चे हैं, कल के लम्बे, जब चाहूँ इनसे साइन करवा लूँ। क्यों मुन्ना? दिया 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 दिया। ठीक है, आप पैसों की परवाह नहीं कीजिए, इनमें से जो भी आसानी से मिल जाए साइन कर लीजिए। वेरी गुड, बस आपके हुक्म की देर थी मैडम, अब आप समझ लीजिए कि आपका हीरो सील्ड एंड साइंड। क्यों मुन्ना? दिया दिया दिया। सब ठीक है ना? जी सब सामान। अरे बेगम क्या कर रही हो, गाड़ी का वक्त हो गया। जी आई। बहू बेगम कितना अच्छा होता अगर तुम भी हमारे साथ बम्बई तक चलती, तुम्हारा जी भी बहल जाता
और तफरी भी हो जाती। आप बजा फरमाती हैं अम्मी जान, मगर इतने बड़े घर को अकेला छोड़ना भी तो मुनासिब नहीं। ठीक है, अच्छा बेटी, खुदा तुम्हारी मदद करे। औरतों की वजह से हमेशा दूर करती है। दूरों दराज का सफर है, बहू बेगम को समझा रही थी। चलिए, अच्छा बहू, अपना ख्याल रखना। चलो बेटा। बहू, खुदा करना। यूसुफ मियां, आज दो दिन हो गए, मैं तुम्हें कहीं घुमा फिरा नहीं सका। क्या बताऊं, मरीजों में इतना उलझा हुआ हूं कि कमबख्त फुर्सत ही नहीं मिलती। अरे मियां, इनके चक्कर में मत पड़ो। ढाई साल हो गए हमारी शादी को, मगर एक दिन भी तो बंबई नहीं ले गए घुमाने को। क्यों शिकायत कर रही हो बेगम, पिछले महीने में तो तुम्हें एक पिक्चर दिखाई थी ना। अजी क्या कहने आपके, ढाई साल में एक पिक्चर क्या दिखा दी, बड़ा आसमान पे तीर मार दिया। अरे भाई, आप लोग मेरी वजह से क्यों झगड़ा कर रहे हैं? मैं अपने बच्चे छोड़ी हूँ, खुद बम्बई घूम लूंगा। अच्छा मियाँ, मैं तो चला। अच्छा, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। तकल्लुफ क्यों कर रहे हैं यूसुफ मियाँ, खाना। हाँ, बनाऊं घर में। काम तो सभी करने के लिए तैयार है मैडम, लेकिन जल्दी गेट देने के लिए कोई तैयार नहीं। अगर हम बड़े हीरो के चक्कर में रहे ना, तो फिर हमारी फिल्म सन 76 1976 में भी ना बन पाएगी। क्या मुन्ना? जी हाँ, जी हाँ, जी। तो फिर क्या किया जाए? इसका सिर्फ एक ही रास्ता है मैडम, नया हीरो ले लिया जाए। और फिर हम स्पोर्टिंग कास्ट मेहता साहब बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। जैसे आप लोगों की मर्जी, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन पिक्चर जल्दी दिन में बनेगी। मस्जिद नहीं, ये हाजी अली बाबा की दरगाह है। सुभान अल्लाह, क्या शान। तुम्हारे कितने पैसे हुए? 10 रुपए। अच्छा, ये लोगे तुम्हारे। थैंक यू। का इंतजार करेंगे, आप तो खाना खा लीजिए। नहीं बेगम, मुझे तो ये फिक्र खाए जा रही है कि यूसुफ मियां नए नए बंबई में आए हैं, कहीं खुदा ना खास्ता इस बार बांध से ना निकालिए, पिक्चर चले गए होंगे, आ जाएंगे।
मैं कहाँ हूँ? मैं कहाँ हूँ? आप सब लोग कौन हैं? मैं कौन हूँ? मेरा नाम क्या है? डॉक्टर, यहाँ मुझे कौन लाया? यहाँ मुझे कौन लाया डॉक्टर? यहाँ मुझे कौन लाया? यहाँ मुझे? आप जरा मेरे साथ आइए। दिमाग की शहरत पर चोट लगने की वजह से इनकी याददाश्त जाती रही और ये अपनी पिछली जिंदगी भूल चुके हैं। रत ने तुझे तेरे सब्र का सिला दिया है, बिछड़े हुए महबूब को फिर से मिला दिया है। यूसुफ को अपने घर ले जा, उसका नाम बदल दे और इतना प्यार दे कि वो जिंदगी भर तेरे सिवा किसी और को न पहचान सके। ऐसा ही होगा। क्या शबाब है! अरे ये चेहरा भी लाजवाब है। ये मेरा इंतखाब है। अरे ऐसा हीरो तो चिराग लेके ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। हीरो माथे तो परफेक्ट लागे, परफेक्ट। अरे तुम फिर बीच में चपक पड़े। उसका का गोड़ा काका उठ जाए। ठीक है ठीक है, ये 6 सूट का कपड़ा है, 2 फौरन चाहिए, 4 बाद में, समझे? आ गया कहीं से कबाब में हड्डी सूझ रहा। हाँ तो मैडम, मैं वो क्या कह रहा था कि रिहर्सल जरा जल्दी शुरू कर दे। इनका कहने का मतलब ये है, ही मीन टू से, कि जरा वक्त भी बचे और फिल्म भी। क्यों मुन्ना? हाँ जी हाँ जी। दीदी आपका तार। हाय भैया, ये तो बड़ी खराब खबर है। परवरदिगार, वो जहाँ भी है उनकी हिफाजत करना और खैरियत से घर लौटाना। चल मुझे पता चला कि यूसुफ का कहीं पता नहीं, मेरा खाना पीना हराम हो गया। मैं भागी भागी यहाँ चली आई। बेटी हर वक्त रोया नहीं करते, यूसुफ किसी काम में फंस गया होगा, आ जाएगा। अरे नहीं बहन, तुम नहीं जानती मेरा लड़का भी कितना नेक था। नौकरी के लिए बम्बई गया, किसी लड़की के चक्कर में फंसकर शादी कर ली और 4 बच्चों का बाप बन गया, लेकिन आज तक लौटकर घर वापस नहीं आया। नहीं नहीं, ऐसा ना कहो बहन, हमारे यूसुफ ऐसा नहीं। पागल होकर मजनू ने दर बदर की खाक छानी। अरे नो नो हसन, ये ऐसे नहीं भाई। हाँ चलो पकड़ो और देखो इधर, लैला के प्यार में पागल होकर मजनू ने दर बदर की खाक छानी, शीरी के इश्क में फरहाद ने पहाड़ों से सर टकरा टकरा के अपनी जान दी। ऐसे करो। Yeah.
बेटी, मुझसे तेरा रात दिन का रोना धोना नहीं देखा जाता। मैं क्या करूं मी जान, मैं क्या करूं? मैं तेरे गम को समझती हूँ बेटी। मेरा कहना मान, तू बंबई हामिद मियाँ के पास चली जा, वहां तेरा दिल भी बैल जाएगा और तेरी मौजूदगी में हामिद मियाँ तब से यूसुफ को भी ढूंढ लेंगे। अगर मेरी तबीयत ठीक होती तो मैं खुद तेरे साथ चलती। तू तो जानती है कि मैं सफर के काबिल नहीं हूँ। बेगम, यूसुफ की तस्वीर फिल्म एक्टर्स के साथ, मगर नाम असलम लिखा हुआ है। अरे हाँ, ये तो अपना ही यूसुफ है, फिल्म वाले तो अक्सर नाम बदल देते हैं। मैं फौरन इंक्वायरी करता हूँ। चाय पिला। लेकिन चाय तो नजर लागी राजा तोरे बंगले पर नजर। भैया जी, कहा ससुर रंग में भंग कर दिए, कहा हो? अरे यूसुफ मियाँ यही रहते हैं। यूसुफ मियाँ? यूसुफ खान, दलीप कुमार? अरे वो तो पाली हिल पर हाथ है। अरे वो नहीं, ये यूसुफ मियाँ की बात कर रहा हूँ। कौन यूसुफ मियाँ? ये, अरे यूसुफ मियाँ नहीं है, असलम मियाँ है, हमारे बीबी जी के फिल्म का हीरो। अरे चला हटा। यूसुफ, अरे यूसुफ मियाँ मेरी बात तो सुनो। आपने मुझसे कुछ कहा? हाँ यूसुफ मियाँ, मैं तुम्हें से कह रहा हूँ। माफ कीजिएगा, इनका नाम यूसुफ नहीं, असलम है। कौन चाह रहे? चला चला बाहर, चला चला। अरे भैया जी, तुम्हारे साहब कहाँ के रहने वाले हैं? अरे झुमरी तलैया के, ज्यादा एक्टिंग ना करा, चला बाहर, चला। अरे भैया जी, मेरी बेइज्जती क्यों कर रहे हैं आप? उल्टा चोर को तो बाल को डांटे। अरे बेइज्जती तू हमार किया कि हम तो हर किया? बेइज्जती तू किया हमारा दीवी जी के सामने है, हम जरा नजर चुकाए और तू हड़बड़ा के अंदर हो जावा। अरे कोई रानी का बगीचा हो कि इंडिया गेट हो, अरे वो गेट के ऊपर हम गेट कीपर लठ लेकर खड़े हैं झक मारे के खातिर। अरे हमारे बगैर परमिट के दिल्ली चूहा अंदर नहीं जा सकते है, और तू 5.5 फीट का पूरा अंदर हो जावा। अरे भैया जी मेरी बात सुनो। अरे क्या बात सुनो, हम बहुत बिजी है, हमारा टाइम बहुत कीमती है। हमें मालूम है की आप वक्त बहुत कीमती है, उसके बदले मैं आपको नजराना दे रहा हूँ। अरे इसका क्या जरूरत रहा, वहाँ आओ बगल में जरा, क्या जरूरत रहा? भैया जी, मैं तो ये पूछ रहा था कि भाई साहब कहाँ के रहने वाले? ये तो हम नहीं जाना थे, पर इतना जरूर कह सकते हैं कि हैं बहुत तकदीर वाले। अरे इस शहर का अंदर लोगन का हीरो बने के चक्कर माँ पॉइंट पतरून नेकर टूटिया उपिया सब फट जाते हैं, पर चांस नहीं मिला। अरे हम होकर देख लो, अरे जिला बस्ती से आए रहे हीरो बने के खातिर, लेकिन बन गए गेट के दरबान। लेकिन मैं तो असलम के बारे में पूछ रहा हूँ। अरे उनका स्टोरी भी बहुत अजीब रहा। एक दिन हमारे दीदी जी की मुटरिया से टकराए गए, यानी कपार फूट गया, दीदी जी फौरन अस्पताल में भर्ती कराए थी, और जवन दिन पट्टी खुली ना तो उन दिन नसीब ही खुल गवा, दीदी जी अपन हीरो बनाए लही। हीरो कौन से अस्पताल में थे? ससुर टेढ़ मेढ़ सवाल रहा, हमारे खुपड़िया में आवत ही नहीं है। वो नाम का रहा सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल। फिर कहा? हाँ भाई हाँ, इनका ऑपरेशन में लग गया है, मगर अफसोस बेचारे की याददाश्त जाती रही। अब क्या होगा डॉक्टर, अब क्या होगा? घबराने की बात नहीं, अगर इनकी पिछली बातें आहिस्ता आहिस्ता याद दिलाई जाए तो याददाश्त वापस आ सकती है। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। मगर भाभी जान, अचानक ये सब हुआ कैसे? क्या बताऊं सलमा, अगर मुझे मालूम होता यूसुफ मियाँ खो जाएंगे तो मैं उन्हें अकेला कभी नहीं जाने देती। नजमा! अरे सलमा, तुम कब आई? अभी अभी आई है भाई जान, उनका कुछ पता चला? अरे तुम्हारी मुबारक कदम पहुँचते ही यूसुफ मियाँ का पता चल गया है। तो कहाँ है वो, जल्दी बताइए ना। इसी शहर में, मगर 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 क्या, चुप क्यों हो गए, बोलते क्यों नहीं? क्या बताऊं सलमा, एक्सीडेंट होने की वजह से यूसुफ मियाँ की याददाश्त जाती रही और अपनी पिछली जिंदगी वो भूल चुके हैं। क्या होगा भाई,
घबराओ नहीं सलमा, अल्लाह बड़ा कारसाज है, इसका भी कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। हाँ सलमा, चलो मुंह हाथ धो लो, कुछ खा लो। अगर डॉक्टर के कहने पर अमल किया जाए तो यूसुफ मियां की याददाश्त वापस आ सकती है, लेकिन दुश्वारी यह है कि मैं यूसुफ की आदतों से वाकिफ नहीं हूँ, और इस वक्त खाला जान और खालू जान भी यहाँ मौजूद नहीं है। मैं तो मौजूद हूँ भाईजान, मैं उन्हें पिछली बातें याद दिलाऊंगी। लेकिन कैसे? नौकरानी बनकर। तो क्या तुम नौकरानी बनोगी? नौकरानी बनना तो फिर भी गनीमत है भाभी जान, अगर मुझे उनके खातिर भिखारन बनकर भीख भी मांगनी पड़े तो मुझे कोई एतराज ना होगा। मैं तुम्हारे जज्बात की कद्र करता हूँ, मगर पराए घर में? घर पराया जरूर है, लेकिन वो तो पराया नहीं। ठीक है, मगर फिरोजा बहुत चालाक है, अगर उसे जरा भी शक हो गया तो आफत आ जाएगी। खुदा पर ईमान रखने वाले और ख्वाजा गरीब नवाज को मानने वाले किसी भी आफत से नहीं डरते भाईजान। गरीब नवाज ने हमेशा गरीबों को नवाजा है, बेकसों की इमदाद की है, वो मेरी भी जरूर मदद करेंगे। आप जैसे भी हो मुझे फिरोजा के घर तक पहुंचा दीजिए। अगर तुम्हारा यही फैसला है तो जो भी किस्मत आजमा कर देख लेते हैं भाईजान। अल्लाह तुम्हारी मुश्किलों को आसान करे। हिम्मत से काम लो, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये नोट में खोट तो नहीं हो? नहीं भैया जी, असली है। ऐसन? अरे क्यों चुप क्यों हो? अरे चुप ना हुई है तो का करिए सरकार, जब ई कलदार बोलत है ना कुड़कुड़ कुड़कुड़ तो बड़े बड़न का बोलती बंद हो जात, हमार कौन हंसती हो? ठीक है ठीक है। अरे बहुत ठीक हो, लेकिन देखो सब समझ गए ना? अरे आप समझे क्या और का बाकी हो, पुलिस समझ गए? आदमी बहुत समझदार मालूम पड़ते हो। अरे सरकार समझदार ना होते तो यहाँ खड़े रहते गेट पर? अरे का बोला तो आवा बिटिया चला आवा आवा। जाओ सुनना, खुदा तुम्हें कामयाब करे, किसी बात की फिक्र मत करना, मैं भैया जी के जरिए तुम्हारी खबरगिरी करता रहूंगा। तो भैया इकर खबरगिरी तो बाद में हुई है, तू डायलॉग ज्यादा ना बोला, नहीं तो कौन हमार खबर ले डाली? हाँ तू अपना सीन कट कर, अब हमार सीन इस तरह को देखा। आवा बिटिया बंगला में, आवा आवा बंगला में, आवा आवा बिटिया आवा 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 आवा, आ जा आ जा आ जा। बीबी जी इवनिंग इन पेरिस। तुमसे कितनी बार कहा कि गुड इवनिंग कहा करो? अरे बुलाए गए गुड इवनिंग। ये कौन है तुम्हारे साथ? बीबी जी हम गरीबन के साथ में और कौन भैया, नौकर चाकर। उस दिन आप नौकरानी के वास्ते कह रहे ना, सो हम ले आए। अच्छा खाना वाना बना लेती है ना? बीबी जी कॉमेडी करत है, पूछे थे कि खाना बनावे के आवे रहा। अरे बीबी जी हमरे देश में जौन दिन लड़का पैदा होए के रहा ना बच्चा, तौन दिन दुई चीज बहुत इम्पोर्टेंट रहा, एक चूड़ा और दूसर हल। अच्छा हाँ, अगर लड़का पैदा होएगा तो पैदा होते ही उनके सारे के कंधे पे हल भर दिए, और अगर लड़की पैदा हुई कभी तो चूड़े के पास फिट कर दिए, फटाफट रोटी फटाफट रोटी। और सरकार ये तो खानदानी रहा बाबरचन। अच्छा हाँ, और ऐसा चिश्ती खाना बनावत है, ऐसा चिश्ती खाना बनावत है कि खाने वाला खाना चबा चबा के उंगलियां चबा जाते। अगर यकीन ना आवे तो हमारे देश में जाके देखो कितने ही बगैर उंगलियों के फेर है। क्यों भैया जी हमारी भी उंगलियां गायब कराने का इरादा है क्या? अरे नहीं सरकार, वो अंग्रेज लोग बहुत चालाक रहा, यही सेफ्टी का खातिर छुरी काटा बनाया रहा, खपा खप घोंको और खपा खप खाओ। अच्छा अच्छा तुम जाओ, हमने इसे रख लिया। देखा हम कहते रहे ना हमार बीबी जी का दिल बहुत नरम हो, कहते मार तुरंत रख लिए। अच्छा बीबी जी लेकिन ख्याल रहे हमार बच्ची का नाम ना डूबे, इम्तहान का घड़ी हो। तो बीबी जी गुड फाइट। गुड फाइट नहीं गुड नाइट। फिर भूल गए। अच्छा गुड नाइट गुड नाइट। सारी सारी यहाँ आओ। क्या नाम है तुम्हारा? सलमा। शादी हो गई? जी मेम साहब। तो फिर तुम्हारा शोहर कहाँ है? जी यहीं है। यहीं? जी मेरा मतलब है इसी शहर में। अच्छा अच्छा, तो क्या उसने तुम्हें छोड़ दिया? जी नहीं, उन्हें किसी औरत ने अपने जाल में फंसा रखा है। ओह, बड़ा बदनसीब है वो जो इतनी खूबसूरत औरत को छोड़कर किसी दूसरी औरत के चक्कर में पड़ गया। क्या जमाना आ गया, लोग अपनी बीवी को छोड़कर दूसरों के चक्कर में पड़ जाते हैं। वाह वाह। थैंक यू थैंक यू। लो मैडम
तो चावल खाओ ना। बस बस थोड़ा सा। हाँ ये लो ना, लो ना। हाँ थैंक यू वेरी गुड। आया जी, खाना बहुत अच्छा बना लेती हूँ। क्यों डाली? ऑफ कोर्स, काफी लजीज है। देखो आया, सुबह हमको जल्दी शूटिंग पर जाना है, नाश्ता जल्दी तैयार कर देना। हम जी बहुत अच्छा मेम साहब। देखो डार्लिंग, कल का सीन जरा डिफिकल्ट है, जरा एक बार फिर से देख लेना। यू डोंट वरी डार्लिंग, यू डोंट वरी। तुम मेरी फिक्र क्यों करती हो? खूब जम के खाओ, ये लो टावल खाओ। मटन डालो, अरे मटन खाओ। खूबसूरत नागिन, तूने मेरे साथ विश्वासघात किया, मेरा बसा बसाया घर उजाड़ दिया, मेरा बना बनाया खेल बिगाड़ दिया। आज मुझे मालूम हुआ कि तू शादीशुदा है। जब तू अपने शौहर की नहीं हुई तब मेरी कब होगी? मैं कहता हूँ दूर हो जा मेरी नजरों से, वरना मैं तेरा खून कर दूंगा। दूध पीजिए। कर दो। जी नहीं, काम के वक्त काम, आराम के वक्त आराम। डार्लिंग, जल्दी करो ना। अभी आया मेरी जान। अब सरकार आपका रुमाल। प्यास लगी है डार्लिंग। ओफो, तुम प्यास की बात करती हो, सामने इतना बड़ा समुद्र और तुम्हें प्यास लगी? वो तो खा रहा है। खा रहा नहीं चलेगा। तो तुम यही ठहरो, मैं एक मिनट में मीठा पानी लेके आया। हाँ जाना नहीं, जल्दी आना प्लीज। कैसे तो हम भी है मेरी जान, क्यों होती हो हैरान? अरे हम भी तो है तेरे मेहमान। क्या स्टार्ट दिया आपने, आप तो कमाल करते हैं, क्या फाइटिंग लड़ते हैं, एक भी रिटेक नहीं किया आपने, तुम तो छा गए यार आज। ये सब तुम्हारी मेहरबानी है मेरे डायरेक्टर साहब। अबे चश्मा क्यों उतारा है? मेरी मेहरबानी नहीं, मैडम की मेहरबानी बोलो। लेकिन डायरेक्टर साहब आपने तो मेरे काम की तारीफ ही नहीं की। अरे अरे क्या बोल रहे हैं मैडम आप, आपकी तारीफ, अरे आपकी तारीफ तो सर से बहुत है, खुद ही तारीफ है। अरे आज की शूटिंग पे को वेरी गुड। चलो ये इस बदतमीज ने फेंका है। लेकिन मैं तमीजदार से सिर्फ एक बात पूछता हूँ कि ये कौन सी शराफत है जो अपनी बेटी को फिल्मों में लाश नचवा। मैं तुमसे ये पूछता हूँ कि ये कौन सी शराफत है कि मियाँ अपनी बीवी को घर से धक्के मार के निकाल दे? हैं? बोलो। बस गर्दन झुक गई है, ड्रा हो गया मेरे दोस्त। अरे काय का ड्रा हो गया, शादी ब्याह कोई कुश्ती का अखाड़ा है? तुम समझे नहीं, एक गलती फिरोजा ने की और एक गलती अनवर ने की, दोनों बराबर हो गए। बराबर हो गए? हाँ आपके ख्याल से वो दोनों बराबर हो गए? वाह 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 वाह, अब बराबर हो गए। ये शेर कहीं सुना हुआ सा लगता है, मगर कहां सुना? कुछ याद नहीं आ रहा, कुछ याद नहीं आ रहा, कहां सुना, कहां सुना? याद कीजिए। मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। कोशिश कीजिए ना।
मुझे कुछ भी दिया जा रहा है। कोशिश कीजिए ना। क्या याद दिया जा रहा है? कुछ भी तो बाजारी औरत के जुबान पर हमेशा बाजारी बातें होती है। मैं बाजारी हूँ। जिस औरत को खानदान की इज्जत आबरू का पास नहीं, जिस औरत को शर्म और हया का एहसास नहीं, बेशक वो औरत बाजारी है। मुझे मालूम है कि तू एक गर्भवंश शौहर की बेगैरत बीवी है, और ये भी जानता हूँ यूसुफ से मोहब्बत करता था और यूसुफ उसे नफरत करता था। आज उसकी मजबूरी से नाजायज फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। सलील औरत, अब भी वक्त है, पति का रास्ता छोड़ दे, लेडी का रास्ता त्याग कर, वरना जिस दिन कुदरत तेरी तकान देगी, तेरा अंजाम बड़ा बैर होगा। बस कीजिए भाईजान, बस कीजिए, खुदा के लिए और कुछ न कहिए, चलिए यहाँ से। सलील औरत, अब भी वक्त है, पति का रास्ता छोड़ दे, लेडी का रास्ता त्याग कर, वरना जिस दिन कुदरत तेरी तकान देगी, तेरा अंजाम बड़ा भयानक होगा, तेरा अंजाम बड़ा भयानक होगा, तेरा अंजाम बड़ा भयानक होगा। खुदा के लिए मुझे मत रोकिए भाईजान, मैंने अजमेर शरीफ जाने का फैसला कर लिया। या तो ख्वाजा करीम नवाज की दरगाह से अपने शोहर को वापस लाऊंगी, या तो फिर मैं ही रो रो के अपनी जान दे दूंगी। नजमा, ऐसी हालत में सलमा को अकेली छोड़ना मुनासिब नहीं, मैं खुद साथ चला जाता, मगर खालू जान और खाला जान हज से वापस आ रहे हैं, मेरा यहाँ रहना बहुत जरूरी है, इसीलिए तुम साथ चली जाओ। जी अच्छा भाईजान। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। क्या सोच रहे हो डाली? अपनी पिक्चर तो कंप्लीट हो गई, अगले महीने रिलीज भी हो जाएगी, इसमें फिक्र की क्या बात है? आराम से सो जाओ। गुड नाइट।
फिरोजा, तुम मेरी तना पर, मैं कहूं ये घर किसका है? तुम बोलती क्यों? मेरी बात का जवाब दो। जाकर हमें तब तक रूम किया वापस आ गई। भाई यार मेरी सलमा का सलमा नजमा के साथ अजमेर शरीफ भी हुई है और जाते जाते उसने कहा था कि गरीब नवाज के दरगाह से अपने यूसुफ को वापस लाऊंगी या रो रोकर वहीं अपनी जान दे दूंगी। ये सब उसकी दुआओं का असर है। तो ठीक है मैं भी वहीं जा रहा हूँ। खुदा हेलो खत्म हो गया मैडम। लेबोरेटरी में आग लग गई और हमारी फिल्म भी जल गई। फिल्म जल गई? अच्छा हुआ फिल्म जल गई और फिल्म के साथ साथ फिल्म एक्ट्रेस फिरोजा भी जल गई। हेलो मैं अंदर बोल रहा हूँ। मैंने अभी अभी स्क्रीन में न्यूज पढ़ी कि तुम्हारी फिल्म मुकम्मल हो चुकी है। बड़ी खुशी हुई। सोचा कि फोन पे तुम्हें मुबारकबाद ही दे दूं। मुकम्मल भी हुई और जलकर खाक में भी मिल गई। ओह इट्स अ वेरी सैड न्यूज। ये तो बहुत बुरा हुआ। बुरा नहीं अच्छा हुआ। मेरी सोई हुई गैरत जाग उठी है और मैं अपने गुनाहों का कफर अदा करने अजमेर शरीफ जा रही हूँ। अजमेर शरीफ मेरी गरीब नवाज मेरी खोई भी खुशियां मुझे लौटा दीजिए। मुझे मेरे सरताज से मिला दीजिए। जब तक मेरी मुराद पूरी ना होगी मैं आपका ये दर नहीं छोड़ूंगी और इसी चौखट पर अपना सर पटक पटक कर अपनी जान दे दूंगी। सलमा जान देने की कोई जरूरत नहीं। ख्वाजा गरीब नवाज ने तुम्हारी दुआ सुन ली। तुम्हारा यूसुफ तुम्हारे सामने खड़ा है। सलमा तुम्हारे सामने खड़ा है। मेरी सलमा 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 बहन मुझे माफ कर देना। मैंने अनजाने में तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया। यूसुफ अगर हो सके तो तुम भी मुझे माफ कर देना। ये सब आप ही का करिश्मा है। आप ही ने मेरे दिमाग में पलने वाले घिनौने कीड़ों को निकाल फेंका। मगर अब मैं कहां जाऊं? अब तो मुझे अनवर भी अपनाने को तैयार ना होगा। फिरोजा अनवर आज भी तुम्हें अपनाने के लिए तैयार है। अनवर? हाँ फिरोजा जब गुनाहगार अपने गुनाहों पर नादिम होकर माफी मांगता है तो खुदा भी उसे माफ कर देता है। अनवर तुम इंसान नहीं फरिश्ता हो। फिरोजा यूसुफ अब आजा। यूसुफ यूसुफ बेटी ये वो मुतबर्रक बारगाह है जहां दिन रात खुदा की रहमत बरसती रहती है। यहां पर आने वाले बेकसो मजबूर नामुरादी के आंसू जरूर रोते हुए आते हैं मगर बामुराद होकर हंसते हुए अपने घरों को लौट जाते हैं। गरीब नवाज ये आप ही का करम है। आप ही ने मेरे आबाद चमन को बर्बाद होने से बचा लिया। यूसुफ यूसुफ जिस चराग को आपने रोशन किया हो उस चराग को दुनिया की कोई ताकत नहीं बुझा सकती। कोई ताकत नहीं। जो तो बेटे दुआ मांगो कली मुराद की पल भर में खिला देते हैं ये वो ख्वाजा है
ख्वाजा निराले मेरे अज मेरे वाले शान न्यारी तुम्हारी कहे दुनिया ये सारी ख्वाजा निराले मेरे अज मेरे वाले शान न्यारी तुम्हारी कहे दुनिया ये सारी।